26 मार्च 1993 को न्यूयॉर्क टाइम्स में एक तस्वीर छपी। ये तस्वीर सूडान की थी। भूख से निडाल एक बच्ची और उसके पीछे घात लगाकर बैठा गिद्ध, जैसे वो बच्ची के मरने का इंतजार कर रहा हो। ठीक 31 साल बाद एक बार फिर सूडान की हालत वैसी ही है। लोग गाजा की भुखमरी की चर्चा तो कर रहे हैं, लेकिन सूडान का संकट भी विकराल है। इंटरनेशनल एजेंसीज के मुताबिक सूडान में भुखमरी अब तक के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गई है। हर दिन भूख से तड़प तड़प कर बच्चे दम तोड़ रहे हैं, क्योंकि सूडान में लगातार 500 दिनों से चल रहे सिविल वॉर की वजह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। आइए समझते हैं कि सूडान में 1.5 साल से क्यों छिड़ा है सिविल वॉर। सूडान करीब 1.5 साल से सिविल वॉर से जूझ रहा है। इसकी शुरुआत अप्रैल 2023 को हुई थी। दरअसल सूडान के दो बड़े मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन सूडानीज आर्म्ड फोर्सेस और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस सत्ता पर कब्जा जमाने के लिए एक दूसरे से भिड़ बैठे। पहले राजधानी खार्तूम में दोनों के बीच झड़पें हुईं, फिर देखते देखते यह भीषण लड़ाई में बदल गई और इसके बाद सिविल वॉर का रूप ले लिया। सूडानीज आर्म्ड फोर्सेस के चीफ जनरल अब्दुल फतह अल बुरहान और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के चीफ मोहम्मद हमदान, ये दोनों ही सत्ता और संसाधनों पर अपना कब्जा चाहते हैं। इस लड़ाई के चलते अब तक 15,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और करीब 82 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट ट्रैकर की एक रिपोर्ट के मुताबिक सूडान के करीब 20 लाख लोगों ने सिविल वॉर के चलते अपना घर बार छोड़कर इथोपिया, साउथ सूडान और चाड जैसे पड़ोसी देशों में शरण ली है। यूनाइटेड नेशन ने इन दोनों ग्रुप के बीच सुलह कराने की कोशिश की। इसके लिए पिछले महीने स्विट्जरलैंड में इनकी बैठकें हुई, हालांकि अब तक कोई बात नहीं बन पाई है। वहीं आगामी समय की बात करें तो अगर खाद्यान्न की ऐसी कमी जारी रही तो 2027 तक लगभग 60 लाख से 1 करोड़ सूडानी लोग भुखमरी से मर सकते हैं। हालांकि युद्ध जारी रहने पर सिर्फ मानवीय संकट ही नहीं बढ़ेगा, युद्ध जल्द ही एक बड़ा भूराजनीतिक मुद्दा बन सकता है या आसानी से सूडान के पड़ोसी देशों में फैल सकता है, क्योंकि इसकी सीमाएं चाड, मिस्र, इथियोपिया और लीबिया सहित 7 देशों के साथ लगती है। साथ ही युद्ध यूरोप की ओर बड़े पैमाने पर पलायन को भी बढ़ावा दे सकता है, जहां जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों में पहले से ही बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। आज का प्रश्न, लगातार 500 दिनों से सूडान में हो रहे गृह युद्ध में शामिल 2 प्रमुख सैन्य संगठन कौन से हैं? ए, सूडानी राष्ट्रीय पुलिस और पीपुल्स डिफेंस फोर्सेस। बी, सूडानी आर्म्ड फोर्सेस और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस। सी, सूडानी रिवोल्यूशनरी फ्रंट और सूडान लिबरेशन आर्मी। डी, साउथ सूडान आर्मी और सूडान बॉर्डर कंट्रोल।